नमस्कार दोस्तों। चलिए तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं गुडसेट 2022 पेपर सॉल्यूशन। अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, इसका मतलब आप कुछ दिनों में ही गुडसेट का एग्जाम देने वाले हैं। तो कुछ चीजें हैं इस वीडियो के बारे में जो स्टार्टिंग के 2 मिनट में लूंगा एक्सप्लेन करने में, ताकि ये वीडियो आपके लिए और भी बेटर वे में आपको हेल्प कर सके। उसके बाद तुरंत हम क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट थिंग कि अगर आपको पूरा वीडियो नहीं देखना है, पर्टिकुलर किसी टॉपिक या किसी चैप्टर के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हैं इस वीडियो के नीचे, सीधा उस चैप्टर में जाके पर्टिकुलर किसी एक चैप्टर के ही या जो भी चैप्टर के क्वेश्चंस आपको देखने हैं, डायरेक्ट आप वहां से देख सकते हैं। पूरा वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गुड सेट एंड आपको नहीं पता है कि कौन सा बेस्ट मटेरियल है, कौन से टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए और किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एमसीक्यू का जो एग्जाम है उसको हम किस तरीके से उसके साथ डील कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी से आंसर तक कैसे पहुंच सके, अनवांटेड कैलकुलेशन है उसको बाईपास करके सीधा आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और कुछ बहुत ही स्टैंडर्ड एंड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज भी हम लोगों ने यूट्यूब पे अवेलेबल करवाया है। तो ये सारी चीजें एंड साथ साथ में प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चन पेपर्स अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप उसको रेफर कर सकते हैं। चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन नाउ, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो ये जो है ना बहुत पुराना खेल है, इससे पहले एक बार या आई थिंक 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, लेकिन टेक्स्ट बुक में है ना इसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया है, आई थिंक कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, तो सिर्फ क्वेश्चन अगर सॉल्व करना है तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं कि y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये जो है ना दिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ठीक है, और हमको बोला है कि कॉन्स्टेंट है, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज कॉन्स्टेंट। सो हम क्या करेंगे, y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू के, यहाँ से ही कुछ भी ले लेंगे, फिर यहाँ से वेरिएबल को सेपरेट कर देंगे, y डी वाई इक्वल टू के डी एक्स। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद तुरंत हम इंटीग्रेशन करते हैं, y का इंटीग्रेशन है y के रिस्पेक्ट में, वो y स्क्वायर बाय 2 होगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ k विल बी के एक्स एन प्लस। इस तरीके से आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा और अब आपको समझ में आना चाहिए दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। हाइपरबोला, इलिप्स एंड रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के इक्वेशंस ऐसे नहीं होते हैं। बेसिकली अगर आप देखें तो 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 के एक्स प्लस 2 सी, और सी को वापस सी बोल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को देख के आपको वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 ए एक्स जैसी फीलिंग आनी चाहिए, इट मीन्स दिस इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अब अगर लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल के बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो बहुत ही जल्दी से उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल जो है ना उसमें हमें क्या करना होगा, तो आप समझिए कि हमारे पास लेट से ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस है, और कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमें कोई एक फंक्शन दिया है। तो अगर हम देखें तो ये जो है ना इसको हम बोलते हैं टेंजेंट, और इसके लिए जो परपेंडिकुलर होगा इसको बोलेंगे नॉर्मल। ठीक है, अब यहां से सारा खेल चालू होता है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो अभी के लिए हम एक्स कोमा वाई ले लेते हैं। अगर ये एक्स कोमा वाई है तो इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर डालेंगे
तो ये जो परपेंडिकुलर है ये एक्स कोमा जीरो होगा, और यहां से इस लाइन को थोड़ा सा आगे ले जाए और टेंजेंट को भी आगे ले जाए तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा। अब ध्यान से देखिए, अगर इस पॉइंट को मैं ए बी सी एंड डी नाम दे दूं, तो जो टेंजेंट जो है ना, सबसे पहले बात करते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के बारे में। तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट किसे कहते हैं? ये जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप देख रहे हैं ना, यहां से टेंजेंट ने एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट किया उसके बीच का डिस्टेंस, मतलब कि जो सी डी है वो, अभी के लिए आपके सामने जो सी डी दिख रहे हैं ना आपको, ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। अब इसको अगर फाइंड करना है तो कैसे करें? तो देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव जो होता है उसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, एंड उसी को हम बोलते हैं टेन थीटा। तो अगर ये आपको थीटा पता है तो आपको इसका स्लोप पता चल सकता है। ये जो है ना, ये 90 डिग्री है, और अगर ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल है ना, ये पाई माइनस थीटा होगा। अब अगर आप बात करें राइट एंगल ट्रायंगल जो आपके सामने है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट है ना वो सी डी है, वो ध्यान रखना। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, अगर हम बात करें कि टेन पाई माइनस थीटा के बारे में, तो टेन माइनस सॉरी टेन पाई माइनस थीटा इज परपेंडिकुलर, मतलब कि ए सी डिवाइड बाई सी डी, मतलब बेस होता है। हमारी रिक्वायरमेंट है सी डी की, जो कि होगा ए सी डिवाइडेड बाई टेन पाई माइनस थीटा माइनस टेन थीटा होता है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, सो फाइनली ए सी जो है ना वो आपको इधर से दिखना चाहिए, इट इज वाई, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट y है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है ना जो परपेंडिकुलर है वो y बनेगा, तो इधर आ जाएगा y और नीचे आ जाएगा dy by dx tan थीटा की जगह पे, और उसके आगे माइनस का साइन। दिस इज cd व्हिच इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेकिन क्योंकि ये लेंथ है तो इधर आपको मॉड्यूलस लगाना पड़ेगा, तो जस्ट इसको आप y डिवाइड बाई dy by dx ऐसे बोल सकते हैं। तो इस इक्वेशन को याद रखना, दिस इज लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। नाउ सेकेंड थिंग जो अभी हम बात कर रहे थे, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो इस फिगर में आप देखेंगे ना, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां से जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाला है सी, वहां से नॉर्मल ने एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट किया उसके बीच का डिस्टेंस, मतलब सी डी, ये सी सॉरी सी बी, सी बी जो है ना उसको हम बोलेंगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। और वो कैसे फाइंड करते हैं? तो अगेन वो अगर फाइंड करना है तो आपके पास ये वाला एंगल होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये जो है ना टेंजेंट एंड नॉर्मल के बीच का एंगल है वो भी 90 डिग्री है, तो तीनों एंगल का सम अगर मैं करूं ए प्लस बी प्लस डी बड़े वाले ट्राइंगल में, तो वो आएगा पाई, और इसमें ए जो है ना वो पाई बाई टू है, बी की हमें तलाश है, और डी हमें पहले ही फाइंड कर लिया था पाई माइनस थीटा है, तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा एंड बी की वैल्यू आपको मिल जाएगी थीटा माइनस पाई बाई टू। ठीक है, अब वो वाले ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल ए सी बी, इसमें अगर मैं लगाता हूं टेन थीटा, थीटा बोले तो थीटा माइनस पाई बाई टू, तो ये होगा अगेन परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस मतलब बीसी, और बीसी जो है ना वही हमारे लिए है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। सो बीसी आपको मिल जाएगा वाई डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस पाई बाई टू, में से अगर मैं माइनस कॉमन निकालू तो माइनस तो बाहर आ जाएगा टेन में से, और पाई बाई टू माइनस थीटा हो जाएगा जो कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ ये बिल्कुल बराबर है। इसके बाद कोट थीटा को अगर मैं ऊपर ले लूँ तो माइनस वाई इंटू टेन थीटा हो जाएगा, और टेन थीटा जैसा कि आप जानते हैं इट इज डी वाई बाई डी एक्स, और माइनस के साइन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगेन दिस इज लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो वो भी पॉजिटिव ही होगा। थोड़ा सा ये पोर्शन लेंदी हो गया लेकिन बहुत ही जरूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
हाँ ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बार बार जितने वीडियोस में मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया हुआ है, सब में मैंने बोला है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर बहुत ही काम की चीज है। तो सबसे पहले तो इधर जो है ना, इसमें डी वाई बाई डी एक्स का कोऑफिशिएंट एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स का कोऑफिशिएंट ऑलवेज वन होना चाहिए, तो सबको हम एक्स से डिवाइड कर देंगे। सो माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई एक्स, मतलब एक्स। अब ये जो इक्वेशन मिला है, इसको आप डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये माइनस का साइन है, वो ध्यान रखना। तो इधर से पी ऑफ एक्स आपको माइनस वन बाई एक्स दिखना चाहिए, एंड फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको याद होना चाहिए, ई की पावर में इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स से निकालते हैं। सो ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन बाई एक्स डी एक्स, एंड माइनस वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस बार वन बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स। अब माइनस को भी अगर हम पावर में ले ले, लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करें, तो इट विल बिकम ई पावर लॉग मॉड एक्स का पावर माइनस वन, और फाइनली ई एंड लॉग कट हो जाएगा, एक्स इनवर्स बोले तो वन बाई एक्स आपका आंसर आएगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज वन बाई एक्स। अब ये मत पूछना कि यहाँ से मॉड्यूलस कहाँ गया, वो मॉड्यूलस एक्चुअली था ही नहीं, वो तो लॉग को डिफाइन करने के लिए वहां पे रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थ्री वेक्टर्स आर गिवन, वन इज वन माइनस वन वन, सेकेंड वन इज थ्री वन टू, थर्ड वन इज वन लेमड़ा एन माइनस थ्री। हमें बोला है दिस थ्री वेक्टर्स आर कोप्लानर। कोई भी तीन वेक्टर कोप्लानर है ना, इसका मतलब क्या होता है कि वो एक ही प्लेन में है। अब सोचिए, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये है वेक्टर सी। अगर ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है, मतलब कि अगर मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो मुझे जो वेक्टर मिलेगा वो ए एंड बी दोनों को परपेंडिकुलर होगा, और वो जो वेक्टर है वो इस पूरे प्लेन को परपेंडिकुलर होगा तो वो वेक्टर सी को भी परपेंडिकुलर होगा, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो है। डॉट क्रॉस बॉक्स होता है, दिस इज कॉल्ड ए बी सी, ऐसे बॉक्स प्रोडक्ट। पता नहीं आपको ये इसके बारे में कोई आइडिया है या नहीं, और बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब होता है डिटरमिनेंट। तो इन शॉर्ट ये मैं कहना चाहता हूँ कि जब भी थ्री वेक्टर्स को प्लानर दिए हैं तो आपको क्या करना है, वो तीन वेक्टर वन माइनस वन वन, थ्री वन टू, एंड वन लेमड़ा माइनस थ्री, इसका आप डिटरमिनेंट निकालेंगे ना तो वो जीरो आएगा। ठीक है, अब बहुत जल्दी से डिटरमिनेंट आप फाइंड कर सकते हैं, माइनस थ्री माइनस टू लेमड़ा माइनस माइनस प्लस वन, माइनस नाइन माइनस टू एंड प्लस वन के साथ थ्री लेमड़ा माइनस वन, ये जीरो है क्योंकि वेक्टर्स कोप्लानर है। सो फाइनली माइनस टू लेमड़ा प्लस थ्री लेमड़ा लेमड़ा हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, एंड नहीं नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन एंड फिफ्टीन, माइनस फिफ्टीन इक्वल टू जीरो आएगा। सो फाइनली लेमड़ा इक्वल टू प्लस फिफ्टीन, और ये आपका आंसर होगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम वेक्टर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आपको बोला है कि ए क्रॉस बी इज यूनिट वेक्टर। अगर ए क्रॉस बी जो है ना वो यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए। उसके बाद ए क्रॉस बी होता क्या है, इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इक्वल टू वन। ए बी दोनों के मैग्नीट्यूड्स आपको दिए हैं, थ्री इंटू रूट टू बाई थ्री इंटू साइन थीटा इक्वल टू वन। सो थ्री थ्री कट एंड साइन थीटा इक्वल टू वन बाई रूट टू, सो ऑब्वियसली थीटा इक्वल टू फाइव बाई फोर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे, ये भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आपको दिया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू जीरो वेक्टर। फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस आपने किए होंगे। तो सबसे पहला काम, हम दोनों साइड मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, उसके बाद दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है ना वो हो जाएगा वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए डॉट बी प्लस टू टाइम्स बी डॉट सी प्लस टू टाइम्स ए डॉट सी, एंड जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो जीरो ही होता है। अब आपको बोला है कि वेक्टर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड भी वन है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी वन है, एंड वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी वन है। ये सारी चीजें अगर यहाँ पे रखे तो वन प्लस वन प्लस वन थ्री हो जाएगा, इसमें से टू कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ए डॉट बी,
प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी एन इक्वल टू है जीरो। सो फाइनली आपको जो पूछा है ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस ए डॉट सी, इसको सब्जेक्ट बनाया देन इट विल बी माइनस 3/2 एंड यही हमारा आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बहुत ही फेमस, कितनी बार ये रिपीट हुआ, अब ये मैं भी भूल चुका हूँ। एक लाइन है, एक प्लेन है और आपको चाहिए एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए कि आप लाइन का डायरेक्शन निकालें। डायरेक्शन निकालने से पहले देखना है कि एक्स वाई एंड जेड के कोएफिशिएंट प्लस 1 होने चाहिए, है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है 2, 3, 6। प्लेन है, उसका नॉर्मल निकालना है। प्लेन का नॉर्मल कैसे मिलता है, एक्स वाई जेड के जो कोएफिशिएंट होते हैं प्लेन के इक्वेशन में उसको कंपोनेंट लेके एक वेक्टर बनाएंगे 10, 2, -11, तो इसको प्लेन का नॉर्मल बोलते हैं। अब अगर आपको एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन चाहिए तो फॉर्मूला याद होनी चाहिए, साइन इनवर्स एल डॉट एन डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ एल मैग्नीट्यूड ऑफ एन, और ध्यान रखना है कि ऊपर भी मैग्नीट्यूड आएगा। फिर साइन इनवर्स ऊपर वाले दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो 2 × 10 = 20 प्लस 3 × 2 = 6 माइनस 6 × 11 -66, और डिनोमिनेटर में दोनों के मैग्नीट्यूड, तो पहला वाला जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आएगा 4 + 9 + 36, उसके बाजू में जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ 100 + 4 + 121। सो फाइनली थीटा आपको मिल जाएगा साइन इनवर्स न्यूमेरेटर में 6 - 66 -60 एंड 20 - 60 इज -40, बट मॉड्यूलस है तो +40 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 36, 45, 49 का स्क्वायर रूट 7 और इधर 121, 221, 225 का स्क्वायर रूट 15 और ये 8 5 एंड 3 5। सो फाइनल आंसर शुड बी साइन इनवर्स 8/21। सो यस साइन इनवर्स 8/21। अब सोचो ऑप्शन में अगर ऐसा दिया होता माइनस साइन इनवर्स 8/21 तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये टिक करके आते जिनको ये नहीं पता होता कि इधर मॉड्यूलस आता है। ठीक है, दूसरी चीज कि ये वाला एक ऑप्शन नहीं दिया होता अगर और उसको किसी और फंक्शन में कन्वर्ट करके दिया होता तो भी प्रॉब्लम हो सकता था। तो गुड सेट की एग्जाम में ऐसा बहुत बार करते हैं, ये याद रखना। जैसे कि हमारा आंसर आया साइन इनवर्स 8/21, अब आंसर तो वही होगा सही लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होगा। साइन इनवर्स को कोस इनवर्स टेन इनवर्स कोट इनवर्स में कन्वर्ट करके दे देंगे, एक ऑप्शन देंगे नन ऑफ दिस, तो प्लीज इसमें गलती मत करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा है और ट्राइंगल जो है वो कुछ इस तरीके से है ए बी एंड सी। तो ये 1 1 1 है, दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 2 3 1। तो बहुत सिंपल, आपको फॉर्मूला पता होनी चाहिए। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है 1/2 × 2 एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट ए बी एंड बी सी, कोई भी दो साइड आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसके क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड फाइंड करूँ, तो वेक्टर ए बी क्रॉस बी सी के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डिटर्मिनेंट से निकलता है आई जे के। ए बी निकालना है तो बी माइनस ए करेंगे, तो 1 - 1 = 0 बी माइनस ए 1 बी माइनस ए 2, और बी सी निकलता है सी माइनस बी से, तो सी माइनस बी 3 - 2 एंड 1 - 3 - 2। सो फाइनली इसका जो आंसर है वो -2 - 2 - 4 देन 0 - 2 लेकिन -(-+2) एंड 0 - 1। उम्मीद करता हूँ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो आपको पता होगा। और ये तो निकला ए बी क्रॉस बी सी, अभी हमें उसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो ये तो जस्ट हमने ए बी क्रॉस बी सी निकाला, नाउ वी विल गोइंग टू फाइंड ए बी क्रॉस बी सी का मैग्नीट्यूड। तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 = 16 + 4 + 1 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 21। और फाइनली जो फॉर्मूला है इसमें अगर पुट कर दे तो एरिया आपको मिलेगा 1/2 × स्क्वायर रूट ऑफ 21। 1/2 × स्क्वायर रूट ऑफ 21 इज द फर्स्ट ऑप्शन। यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन
फ्रॉम द थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री। लाइंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल, तो राइट एंगल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब दोनों जो स्ट्रेट लाइन है ना उसके डिरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट जो है वो 90 डिग्री होगा। लेकिन अब डिरेक्शन निकालने कैसे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि डिरेक्शन निकालने के लिए जो स्ट्रेट लाइन है ना उसके कोफिशियंट जो एक्स वाई जेड है ना उसके कोफिशियंट +1 +1 +1 होने चाहिए। तो फर्स्ट लाइन है ना उसकी डायरेक्शन जब मैं निकालूंगा तो क्या करूंगा, इधर x का कोएफिशिएंट देखिए -1 है तो ऊपर नीचे दोनों जगह पे -1 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे से मुझे डायरेक्शन मिलेगी जो आपको अभी 3 दिख रही है लेकिन वो होगी -3। सिमिलरली अगर आप y का कोएफिशिएंट देखे 7 है तो पहले तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर इधर से जो मिलेगा वो उसका डायरेक्शन होगा, तो ये 2p/7 हो जाएगा। उसके बाद जेड का कोएफिशिएंट +1 है तो वहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली सेकेंड जो लाइन है उसका अगर आपको निकालना है डायरेक्शन तो उसका एक्स का कोएफिशिएंट -7 है तो 3p/-7 आ जाएगा। फिर वाई का कोएफिशिएंट 1 ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, जेड का कोएफिशिएंट -1 है तो माइनस से मल्टीप्लाई करना। सो जो दो स्ट्रेट लाइन गिवन है उसके डायरेक्शंस कुछ ऐसे है, हमें बोला कि दोनों परपेंडिकुलर है मतलब दोनों का डायरेक्शन का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। करें अगर डॉट प्रोडक्ट तो 3 3 9p/7 एंड प्लस आ जाएगा 2p/7 एंड -5 2 10 इक्वल टू 0 है। 9 10 11p/7 इक्वल टू 10 हो जाएगा और p की वैल्यू आ जाएगी 70/11 और ऑप्शन सी आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टोसिस ऑफ फेयर बोन। तो अभी जो आपके पास रैंडम वेरिएबल है x, इट इज नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टोसिस ऑफ कॉइंस। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ेगा, तो x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। तो कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ हेड्स क्या क्या आ सकते हैं, या तो हो सकते हैं 0 हेड आ जाए, या तो 1 हेड, या 2 हेड, या तीनों के तीनों हेड आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। अब ये सब की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो पहले तो बात ये है कि अगर आप कॉइन को 3 बार टॉस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे 8। 8 में से ऐसे कितने होंगे जिसमें 0 हेड होगा, एक ही होगा, टेल टेल टेल, तो इधर आएगा प्रोबेबिलिटी 1/8। उसके बाद आपको क्या करना है कि लास्ट का भी देख लेना, देखिए 1 हेड का सॉरी 0 हेड का प्रोबेबिलिटी अगर 1/8 है ना तो 3 हेड का प्रोबेबिलिटी भी 1/8 होगा। अब बात है एक हेड एंड टू हेड, तो 1 हेड कब आएगा, तो जब आपके पास HTT THT एंड TTH में से कुछ होगा, तो ये 3 केसेस ऐसे होते हैं जहां पे 1 हेड आता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी 3/8। फिर लास्ट जो बचे ना उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सबका सम 1 होता है, तो 3 4 5 6 7 8, तो अब इसका प्रोबेबिलिटी 3/8 ही होगा, या फिर आप इस तरीके से फाइंड भी कर सकते हैं। अब हमें बोला है अच्छा शायद हम गलत रास्ते पे है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताता हूँ। अब मीन कैसे फाइंड करते हैं, मीन इट इज एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई का प्रोडक्ट एंड उसका समेशन। तो सबसे पहले 0 × 1/8 करेंगे, फिर 1 × 3/8 करेंगे, फिर 2 × 3/8 करेंगे, फिर 3 × 3/8 कर सॉरी 1/8 3 × 1/8 और फिर ये सबका समेशन मतलब सबको ऐड कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में तो सब जगह पे 8 है, यहाँ पे 3 है, 3 × 2 = 6 प्लस 3 × 1 = 3 तो 6 + 6 यस 12/8 बोले तो 4 × 3 = 4 × 2 = 3/2 मतलब कि 1.5 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ, देखिए मीन जो है ना मीन वो होता है n इंटू पी, n क्या है टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो अभी 3 बार आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं मतलब 3 बार एक्सपेरिमेंट रिपीट हो रहा है वो n होता है, p मतलब नंबर ऑफ हेड्स मतलब कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बोलते हैं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, सीधा 3/2 आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन। जब ऐसा लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि जो पहले दिया होगा ब्रैकेट में वो n की वैल्यू होगी, बाजू में दिया होगा वो p की वैल्यू होगी। अब हमें पूछा है p ऑफ
एक्स लेस और इक्वल टू मतलब होता है पी ऑफ 0 प्लस पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2, और ये गिवन भी है m इंटू 1/2 पावर 10। सो पहले तो पी ऑफ 0 की बात करें तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो n की वैल्यू 10 है, सो 10 सी 0 1/2 पावर 0 एंड 1/2 पावर 10 माइनस 0। फिर आता है 10 C1 1/2 पावर 1 1/2 पावर 9। आफ्टर दैट 10 C2 1/2 पावर 2 एंड 1/2 पावर 8, और इक्वल टू आपको दिया है m इंटू 1/2 टू द पावर 10। 10 C0 1 होता है, ये भी 1 होता है, और ये है 1/2 पावर 10। आई थिंक 1/2 पावर 10 सब में से कॉमन होगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, 10 C1 होता है 10, प्लस 10 C2 होता है 10 इंटू 9/2 एंड इक्वल टू आपको दिया है m इंटू 1/2 टू द पावर 10। इधर से दोनों कट हो जाएंगे और m की वैल्यू आपको मिल जाएगी ये 5 2 10, 9 4 45, 46 एंड 56, यस 56 इज द करेक्ट आंसर। चलिए तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी दैट ए स्पीक, वैसे एनसीईआरटी का ही है, ए स्पीक्स ट्रूथ इज 4/5, सो नॉट ट्रू का प्रोबेबिलिटी होगा 1/5। अब आपको बोला है ए रिपोर्ट्स दैट हेड अपीयर्स, दिस इज गिवन इवेंट इन द प्रोबेबिलिटी दैट एक्चुअली देयर वाज ए हेड, उसका प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। तो गिवन इवेंट इज देयर वाज ए हेड एंड प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है एक्चुअली देयर वाज हेड, मतलब कि ही स्पीकिंग ट्रूथ, ठीक है, ये समझ में आना चाहिए। एंड खास तो ये आपको समझ में आना चाहिए, दिस इज बेस थियोरम्स क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर आपने मेरा वो एनालिसिस देखा है प्रीवियस ईयर वाला, तो उसमें मैंने बोला था कि लास्ट 5 ईयर्स में कभी भी बेस थ्योरम से क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस बार भी आने के चांसेस बहुत कम है। मैं ये सोच रहा था कि इस क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाती है, इसलिए शायद नहीं पूछते होंगे तो आगे भी नहीं पूछेंगे, लेकिन यहाँ पे मेरा जो एनालिसिस है वो गलत हो गया, इस बार ही बेस थ्योरम का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेस थ्योरम आपको याद होना चाहिए, पी ऑफ टी पी ऑफ एच एंड पी ऑफ एच गिवन टी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी तो आपको दिया है 4/5, टी गिवन एच मतलब कि आपको दो चीजें और यहाँ पे निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच गिवन टी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टी सॉरी एच गिवन नॉट टी। तो अगर वो सही बोल रहा है और एन आए उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, अगर वो सही नहीं बोल रहा है एंड एन आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। नीचे है हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो अगर वो सच बोल रहा है एंड हेड आ जाए मतलब कि हेड आया है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा है एंड टेल आ जाए तो भी उसको हम हेड ही मानेंगे, ठीक है। तो फाइनली अगर आप देखें तो ये 1/2 1/2 1/2 कैंसल आउट हो जाएगा, नीचे 5 5 एंड 5 भी कैंसिल हो जाएगा, सो फाइनली ऊपर रहेगा 4 और नीचे 4 प्लस 1 5, सो 4/5 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सिंपल लीनियर प्रोग्रामिंग आप जानते हैं, एक क्वेश्चन आता है तो अभी आपके पास जेड जो है ना वो है 3x+9y, और कॉर्नर पॉइंट्स ये है उसको टर्न बाय टर्न इसके ऊपर रखेंगे देखेंगे। सबसे पहली बात मुझे लगता है ये दो पॉइंट पे, तो अच्छा मिनिमम वैल्यू पूछी है तो शायद इसी दो पॉइंट में से कहीं पे होगी, तो 0 10 अगर पुट करें तो आंसर विल बी 90। उसके बाद आगे है 5,5 पुट करेंगे तो 5 3 15 प्लस 45 इक्वल टू 40 50 60। उसके बाद अगर आगे 15,15, ओ माय गॉड, तो वैसे देख सकते हैं कैलकुलेशन नहीं करना है, ये इन दोनों से तो बड़ा ही आएगा, और लास्ट में 0,20 पुट करके चेक कर सकते हैं कि 0 प्लस 180। तो फाइनली मिनिमम देखिए मेरा गेस वर्क जो है ना वो बिल्कुल बेकार है, क्योंकि आंसर आया इस पॉइंट पे 5,5 पे, और हमें पूछा है मिनिमम वैल्यू कितनी होगी तो 60 होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए क्यूब। तो पहली बात तो ये है कि मैट्रिक्स ए है ना, ये जो मैट्रिक्स है ना इसको आप ध्यान से देख लीजिए, इस मैट्रिक्स के लिए ए पावर एन जो है ना वो कॉस एन थीटा साइन एन थीटा माइनस साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा होता है। ठीक है, तो सीधा आंसर था कि कॉस माइनस साइन होना चाहिए एंड इधर भी साइन कॉस होना चाहिए सेकेंड कॉलम में, और थ्री थीटा हो जाना चाहिए, कुछ करना ही नहीं था। अब इनकेस अगर आपको ये नहीं पता है तो क्या करना है, तो ए क्यूब के लिए फिर गधे की तरह मेहनत करना पड़ेगा। पहले ए स्क्वेयर निकालो, कोस साइन माइनस साइन कोस के साथ कोस साइन माइनस साइन कोस को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वेयर एंड माइनस साइन स्क्वेयर, दिस इज टू कोस साइन प्लस साइन कोस, दिस इज माइनस साइन कोस माइनस कोस साइन एंड माइनस साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर। ध्यान से देखेंगे तो कोस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर कोस टू थीटा होता है, साइन कोस टू साइन कोस मतलब साइन टू थीटा, इधर भी सेम लेकिन माइनस आएगा, इधर कोस स्क्वेयर माइनस साइन स्क्वेयर ही है तो कोस टू थीटा आएगा। अब यहां तक पहुंचने के बाद तो समझ में आ जाना चाहिए कि स्क्वेयर किया तो इधर सब जगह पे टू थीटा हो गया, तो क्यूब करेंगे तो थ्री थीटा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी गुडसेट का फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार दो तीन चार बार आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आपको बोला है कि बी इज इनवर्स ऑफ ए, मतलब कि अगर आप ए इनवर्स निकालेंगे तो आपको आंसर में बी मिलेगा। क्या मैंने सही लिखा है? बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी जो है ना वो ए का इनवर्स है, बी इज इनवर्स ऑफ ए, चलिए चलेगा। या फिर थोड़ा गलत हूं मैं? नहीं, बराबर। तो ये हमें दिया है, तो अब हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे पास जो है ना ए है, तो हम क्या करें, दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, वी हैव ए इनवर्स इक्वल टू बी। अगर मैं ए इनवर्स को कॉस्ट मल्टीप्लाई करूँ तो इधर भी करना पड़ेगा, और ए इनवर्स इंटू ए आप जानते होंगे आई होता है, एंड राइट हैंड साइड में आपके पास है बी, और बी की वैल्यू आप देखें ना तो ये 10 बी दिया है। बी अगर आपको निकालना है तो 1/10 इस साइड आ जाएगा, और बी तो आपके पास है 4 -5 1, 2 0 -2 एंड 2 α 3। उसके साथ ए का मल्टीप्लीकेशन, तो ए इज 1 2 1 -1 1 1 एंड 1 -3 1। अब इन दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, लेकिन पूरा मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको ये वाली वैल्यू चाहिए अल्फा, ठीक है, तो जिस रो एंड कॉलम में अल्फा आता है उसी के साथ हमें चालाकी करनी चाहिए। तो सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को, ध्यान से देखना, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 1/10 तो रहेगा ही, फिर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मल्टीप्लीकेशन -5 0 एंड +α। और ये जो आप एलिमेंट देख रहे हैं ना, ये कौन सा एलिमेंट है? A21 है, तो इस साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। इसमें देखिए कि A21 कहाँ पे है, 21 जो है ना वो 0 है, तो इसको हम 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं, तो फाइनली अल्फा इक्वल टू 5 आपको मिलेगा, ऑप्शन बी। चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये थोड़ा सा बेटर हम बोल सकते हैं, इसमें क्या करना है आपको, ए जो डिटरमिनेंट है ना इसको, वैसे ये भी एनसीईआरटी का ही है, इसको एक्सप्रेस करिए इज ए सम ऑफ टू डिटरमिनेंट 1 1 1, और दूसरा आ जाएगा x³ y³ z³। अब दूसरा जो डिटरमिनेंट है ना उसमें देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड रो से x y z कॉमन है, तो फिर वो हो जाएगा 1 1 1 x y z एंड x² y² z². अब आपको क्या करना है, ये वाला डिटरमिनेंट और ये वाले डिटरमिनेंट को देखिए, अगर आप दोनों में से किसी एक का, वैसे ट्रांसपोज लेने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ दो बार रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो दोनों डिटरमिनेंट सेम ही है, तो उस डिटरमिनेंट को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 1 1 x y z एंड x² y² z² को कॉमन निकाला तो पीछे रहेगा 1 + x y z, और हमें बोला है कि ये जो है ना ये 0 है और ये जो है ना ये 0 नहीं है, तो ऑब्वियसली
कि 1 + x y z यही 0 होगा और x y z की वैल्यू -1 मिलेगी। चलिए नेक्स्ट। हाँ ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। सबसे पहले तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करें, तो पहली बात तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 आता है। क्यों याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही फेमस डिटरमिनेंट है, साइक्लिक डिटरमिनेंट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप इस डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज के यूज करके इसको एक्सपांड कर लीजिए। अगर प्रॉपर्टी भी याद नहीं है तो डायरेक्ट एक्सपेंशन कर दीजिए, आप यहाँ तक पहुंच जाएंगे। अब उसके बाद क्या करना है, तो देखिए ए बी सी जो है ना ये क्या है, ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स है। अगर ट्राइंगल ए बी सी की साइड्स ए बी सी है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों का सम कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब सिर्फ ये वाली टर्म है ना यही 0 है। अब इसमें से आप माइनस कॉमन निकालिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2a² + 2b² + 2c² -2ab - 2bc - 2ac इक्वल टू 0 होगा। अब जो स्टेटमेंट आपके सामने है इसको अगर आप थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा के देखें तो आपको ऐसा दिखेगा, a - b² b - c² एंड a - c या c - c c - a² इक्वल टू 0। अब देखिए 3 नंबर है और तीनों का स्क्वायर है और सम 0 आ रहा है, इसका मतलब कि a - b भी 0 होगा, b - c भी 0 होगा एंड a - c भी 0 होगा, तभी तीनों के स्क्वायर का सम 0 आ रहा होगा। तो फाइनली a = b मिला, b = c मिला एंड c = a मिला। इसका मतलब तो दिस ट्राइंगल इज इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल में ही तीनों साइड सेम होती है। अच्छा जी, अगर इक्विलेटरल है तो फिर तीनों एंगल भी सेम होंगे और वो 60 डिग्री ही होंगे, तो फिर sin² + sin² + sin² 3 sin² 60 डिग्री हो जाएगा, और sin 60 डिग्री आई थिंक √3/2 होता है, तो ये उसका स्क्वायर है तो 3/4 आएगा और फाइनली आपका जो आंसर है वो 9/4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास इफ ए इज डायगोनल मैट्रिक्स तो इसका इनवर्स है ना जस्ट कैसा हो जाता है, डायगोनल जो एलिमेंट्स है ना उसी का इनवर्स हो जाता है, मतलब 1/2 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1/3। डायगोनल मैट्रिक्स में और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें पूछा कि ये जो एलिमेंट्स आपको मिले ना ए इनवर्स के उसका सम, तो 1/2 + 1 + 1/3 बाकी सारे तो 0 है, एलसीएम आ गया 6, तो 3 + 6 + 2 तो 6 7 8 9 10 11/6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट। हाँ ये थोड़ा सा दम वाला क्वेश्चन था, अगर आपने ऑप्शन देखे बगैर सॉल्यूशन करने की ट्राई की है तो, बाकी ऑप्शन अगर देख लेते तो आपको पता है कि अच्छा जी हमें ए बी के बारे में कुछ बताना है। चलिए तो पहले ए बी की खोज में निकल पड़ते हैं। ए आपको यहाँ से मिलेगा, अगर ए को सब्जेक्ट बनाए तो इट विल बी sin α + β एंड बी आपको यहाँ से मिलेगा विच इज sin α - β। sin α + β sin α - β रेयरली यूज ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटी है, sin² α - sin² β, लेकिन हमारा क्या है कि हमें तो sin² + cos² चाहिए। अच्छा जी तो sin² को रहने दो, sin² β को बोलो आजा बेटा तू 1 - cos² β हो जा, और ये sin² α - 1 + cos² β हो गया, तो इस साइड में आपके पास sin² α + cos² β चाहिए, तो 1 को इधर लेना पड़ेगा और उधर ए बी पहले से बैठा है तो ab + 1 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट में। हाँ ये बहुत जबरदस्त है कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना उसमें बाजू में कुछ इधर लिखा हुआ होता है एनसीईआरटी में, लेकिन हमने वो कभी देखा हुआ नहीं होता है और उसी में से क्वेश्चन आ गया। तो बहुत डिटेल में जिन लोगों ने आईटीएफ की स्टडी की है ना उसको इसके बारे में पता होगा, बाकी लोगों को बहुत मुश्किल हुई होगी, लेकिन है बहुत सिंपल। देखिए ये जो 2 sin इनवर्स x है ना वो क्या है, वो इस राइट हैंड साइड वाले sin इनवर्स का आंसर है,
मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड में जो टू साइन इनवर्स एक्स है ना वो कहाँ होना चाहिए, इट शुड बी लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, क्योंकि वो साइन इनवर्स की रेंज में होना चाहिए। फिर हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, तो पहले टू को हटाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स तीनों साइड टू से डिवाइड करेंगे, देन माइनस पाई बाई फोर एंड पाई बाई फोर, और फाइनली एक्स तक पहुंचना है तो तीनों साइड साइन ले लेंगे, साइन माइनस पाई बाई फोर माइनस वन बाई रूट टू, दिस इज वन बाई रूट टू एंड आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल, कुछ बोलने की जरूरत मुझे पढ़नी नहीं चाहिए, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, सिर्फ आई थिंक यहाँ पे साइन था या ऐसा कुछ था। तो पहली बात तो ये है कि कोश के अंदर कुछ रखने से आंसर जीरो आया है, मतलब अंदर जो रखा होगा वो कौन होगा, वो पाई बाई टू होगा। अब सोचो साइन इनवर्स प्लस कोश इनवर्स पाई बाई टू कब होता है, जब दोनों के अंदर वाली वैल्यू सेम हो जाए तब, तो सीधा 1/5 आंसर था। लेकिन फिर भी अगर इसमें थोड़ा स्टाइल से करना है तो ये वाला कोश है उसको सामने ले लो, तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोश इनवर्स एक्स इक्वल टू, कोश इधर आके कोश इनवर्स जीरो बन गया, कोश इनवर्स जीरो पाई बाई टू होता है, और कोश इनवर्स एक्स अभी भी इधर रहेगा और ये माइनस साइन इनवर्स 1/5 हो जाएगा। पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स आपको याद होगा, कोश इनवर्स 1/5 होता है, इधर अभी भी कोश इनवर्स एक्स है, तो फाइनली एक्स इक्वल टू 1/5। चलिए बाइनरी ऑपरेशन जो है वो कम्यूटेटिव है एसोसिएटिव है, इसकी कुछ बात चल रही है। तो बहुत सिंपल बात है कि भाई आपके पास कम्यूटेटिव के लिए ए स्टार बी जो है ना वो ए प्लस बी बाई टू है, तो आपको बी स्टार ए फाइंड करना है, दिस इज बी प्लस ए बाई टू। इक्वेशन वन एंड टू को देखिए, क्या ये दोनों सेम है, यस, तो कम्यूटेटिव तो है, मतलब कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव ऑप्शन ए एंड सी में से कुछ आ सकता है। क्या आएगा वो एसोसिएटिव पे डिपेंड करेगा। एसोसिएटिविटी चेक कैसे करते हैं, ए स्टार बी स्टार सी से, लेकिन पहले ए स्टार बी कर लो, तो ए स्टार बी तो आपको पता है ए प्लस बी बाई टू होगा। अब इसका ऑपरेशन जब सी के साथ करेंगे तो क्या होगा, तो होगा तो भाई वही ए प्लस बी बाई टू, लेकिन इस बार ए क्या है, इट इज ए प्लस बी बाई टू एंड इधर है बी। सो फाइनली अगर आप आंसर देखेंगे तो ए प्लस बी प्लस टू सी डिवाइडेड बाई फोर, और मुझे लगता है ये एसोसिएटिव नहीं होगा, फिर भी चेक कर लेते हैं। ए स्टार बी स्टार सी में पहले बी स्टार सी करना है, तो ए स्टार बी प्लस सी बाई टू आ जाएगा, और अब अगेन ए स्टार बी करना है तो ए प्लस बी बाई टू होगा, दिस इज ए एंड दिस इज बी प्लस सी बाई टू। सो फाइनल आंसर इज टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई फोर एंड दिस इज नॉट एसोसिएटिव, सो आंसर इज फोर। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ। तो अभी देखिए कोई भी फंक्शन है अगर वो ए टू ए में है एंड जो सेट ए है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो है ना वो मान लीजिए एम है, तो फिर याद रखना नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शन होते हैं एम फैक्टोरियल। सो राइट नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज 1 2 3 4, सो नंबर ऑफ फंक्शंस आर 4 फैक्टोरियल, विच इज 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 12 2 24, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, ये भी थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था। अगर आप जानते हैं कि एफ प्लस जी जो है ना ये जो है ना वो होता है एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो काम बहुत सिंपल था, आपको पूछा है एफ प्लस जी और वो होगा एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, मतलब साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और आपको बताना है साइन एक्स प्लस कोस एक्स जो है ना, और बहुत जरूरी बात है कि डोमेन, तो जब दो फंक्शन को आप ऐड करते हैं तो उसका डोमेन जो है ना वो इंटरसेक्शन, दोनों के डोमेन का इंटरसेक्शन होता है, तो दोनों का डोमेन है वो 0 to π/2 है, तो हमारा वाला जो फंक्शन है एफ प्लस जी उसका डोमेन भी यही है, ये मान के चलिए आप। अब हमारे पास है साइन प्लस कोस, साइन प्लस कोस के बारे में हमें कुछ पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे, ए साइन प्लस बी कोस अगर आपको याद है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है, तो रूट टू से मल्टीप्लाई रूट टू से डिवाइड, और इसको आप कॉस पाई बाई फोर समझ सकते हैं,
इसको आप साइन पाई बाई फोर समझ सकते हैं। तो अंदर जो है ना वो आइडेंटिटी बनेगी रूट टू के बाजू में साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर की। और साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर जो फंक्शन है ना वो वैसे तो मेनी टू वन होता है क्योंकि है तो बेसिकली साइन, लेकिन अब देखना है कि 0 to π/2 में क्या हाल होता है। तो देखिए साइन एक्स का ग्राफ जो है ना वो यहाँ से चालू होता है और फर्स्ट उसका जो है ना 0 to π में एक लूप कंप्लीट होता है, लेकिन क्योंकि ये एक्स नहीं है, साइन एक्स नहीं है, साइन एक्स प्लस पाई बाई फोर है, तो वो है ना 5/4 यूनिट लेफ्ट साइड से चालू होगा। तो -π अगर यहाँ पे है, ये 0 है, ये पाई है, तो यहाँ पे π/2 होगा, ये -π/2 होगा, इसके बीच में कहीं पे इधर π/4 होगा, और ये जो ग्राफ है ना वो इधर से ऐसे जाएगा, ऊपर तो 1 तक ही जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो है ना ये π/2 है, तो पहले 0 to π में बनता था, इसकी जगह पे अब थोड़ा सा ये गलत हो गया। अगर पाई बाई फोर यूनिट इस साइड आया है तो पाई से भी पहले पाई बाई फोर यूनिट होगा ना, वहां तक ये ग्राफ जाएगा और ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे। अब हमें पूछा है कि इधर 0 है और इधर π/2 है, इसके बीच में ग्राफ कैसा है? तो इसके बीच में है ना अभी ग्राफ ठीक से बना नहीं है, और थोड़ा ऊपर जाएगा ऐसा बनेगा, और मुझे लगता है हॉरिजॉन्टल लाइन है ना वो कहीं ना कहीं दो जगह पे इसको इंटरसेक्ट करेगी, मतलब 0 पे एंड π/2 पे इसकी सेम वैल्यू आएगी। ये वाला जो एफ प्लस जी है ना इसमें आप 0 पुट करो तो आंसर आएगा 1, π/2 पुट करो तो भी आंसर आएगा 1, मतलब ये होता है कि 0 के लिए भी आंसर 1 एंड π/2 के लिए भी आंसर 1, सो इट इज नॉट 1 to 1, तो नॉट 1 to 1 दो जगह पे है। दूसरा हमें f इंटू जी के लिए भी चेक करना है, तो जैसे हमने किया वैसे ही f इंटू जी है, इट विल बी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसको 2 की रिक्वायरमेंट है तो 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, देन इट विल बिकम 2 sin x cos x एंड 2 sin x cos x विल बी sin 2x। और अगेन आप देखेंगे तो sin 2x जो है ना वो भी वैसे तो मेनी टू वन मतलब कि नॉट वन वन फंक्शन ही है, लेकिन अभी हमें देखना है कि 0 to π/2 में कैसा है। तो sin 2x का जो ग्राफ है ना, वैसे sin x का जो ग्राफ है वो ऐसा होता है, ये 0, ये पाई, ये 2π, लेकिन sin 2x के ग्राफ में क्या होता है कि उसका पीरियड है ना वो हाफ हो जाता है, मतलब कि सबको आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब फाइनली 0 to π/2 में ऐसा ग्राफ बना। और ये ग्राफ में भी अगर आप ओरिजेंटल लाइन कहीं पे ड्रॉ करेंगे तो दो जगह पे इंटरसेक्शन हो रहा है, मतलब कि दिस इज ऑल्सो नॉट 1 to 1 फंक्शन। तो नॉट एंड नॉट वाला केस अगर आप देखेंगे तो ये है ऑप्शन सी कि एफ प्लस जी भी 1 1 नहीं है एंड एफ इंटू जी भी 1 1 नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का बहुत सिंपल क्वेश्चन। पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव करो dy बाई dx, तो होगा 200 इंटू ई पावर 2x, फिर 2 ई पावर -2x का तो ई पावर -2x होगा, लेकिन -2 मल्टीप्लाई में भी आएगा, सो -400 हो जाएगा। हमें बोल रहा है कि एक और बार करो, तो चलिए d2y बाई dx2, तो एक बार हो जाएगा 400 ई पावर 2x, ये वापस प्लस 800 ई पावर -2x। इसमें से आप चाहे तो 4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो अंदर 100 ई पावर 2x प्लस 200 ई पावर -2x बचेगा, और ये जो है ना ये y है, मतलब कि आपको ए वाई दिया था तो ए की वैल्यू विल बी 4। नेक्स्ट, ये बहुत जबरदस्त मजा आ गया क्वेश्चन को देख के। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वैसे इसमें भी एक चीज बता दूं, मैंने आपको बोला था कि डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर है ना उसमें से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और आज तक कभी आया भी नहीं था, लेकिन इस बार देखिए थोड़ा सा पलटी मारा और डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन भी पूछ लिया। वैसे डिफरेंशिएबिलिटी से ज्यादा ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन भी इसको बोल सकते हैं। अगर आपको पता है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना उसका ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है, इंटीजर्स पे ब्रेक होता है, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये सब जगह पे वो ब्रेक हो जाता है। अब हमें देखिए डोमेन फंक्शन का, ये हीरो है डोमेन,
1.2 to 1.9, मतलब कि आप कुछ ये वाला पोर्शन है ना 1.2 to 1.9 इसमें बात कर रहे हैं, तो इसमें हमारा फंक्शन जो है ना वो है ये, और इसका डेरिवेटिव एफ डैश एक्स फाइंड करना है, मतलब कि डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका स्लोप कितना होगा, 0। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। चलिए 26, ओ माय गॉड, ये भी एनसीईआरटी का जस्ट ये 10 है ना उसकी जगह पे ए था एनसीईआरटी बुक में। आपको पूछा है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी का रेशियो होता है। अब डी एक्स बाई डी टी में पहले स्क्वायर रूट फंक्शन का डेरिवेटिव अगर करें तो इट विल बिकम 1/2 रूट, अंदर जो है वो एज इट इज रूट का हो गया। अब 10 पावर sin इनवर्स t का होता है 10 पावर sin इनवर्स t, मतलब a पावर x का डेरिवेटिव a पावर x इनटू log a होता है, इनटू sin इनवर्स t का हो जाएगा 1/√1 − x2। सिमिलरली अगर आप डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसका भी डेरिवेटिव करें देन इट विल बिकम 1/√10 to the power cos inverse t इनटू फिर अंदर वाले फंक्शन का 10 to the power cos inverse t इनटू log 10 इनटू फिर cos इनवर्स का −1/√1 − t2, यहाँ पे t आए। अब अगर आप देखें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 एन cos है वो फाइनली ऊपर आ जाएगा, और अगर आप समझ पाए तो 10 to the power cos inverse t एंड डिनोमिनेटर में 10 to the power cos सॉरी साइन इनवर्स टी होगा वहां पे। तो ये ऊपर आ गया और 10 to the power sin इनवर्स t नीचे आ गया, और ये सबका स्क्वायर रूट है बाजू में ये भी है। अच्छा तो हमने और भी थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया, रुक चाहिए भाया। तो ये और ये दोनों कट हो जाएंगे और ऊपर रहेगा 10 to the power sin इनवर्स t का स्क्वायर रूट, और नीचे भी ये वाले दो टर्म कट होके डिनोमिनेटर में रहेगा 10 to the power cos inverse t। बाकी log 10 कट हो जाएंगे, ये भी कट हो जाएगा, ये वाला माइनस है ना वो अभी भी बाकी रहेगा, और फाइनली आप देखें तो 10 पावर sin इनवर्स t जो है ना वो x है स्क्वायर रूट उसका, तो −x/y आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई ये तो वर्ल्ड फेमस तीसरी बार पूछा है उपसेट की एग्जाम में। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए सबसे पहले तो डेरिवेटिव निकालो, तो डेरिवेटिव होगा e⁻¹ एज इट इज x² का 2x प्लस x² एज इट इज e⁻¹ का −x − x का माइनस, फिर डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट करो, तो एक तो x कॉमन है और एक e⁻¹ कॉमन है, तो 2n − x रहेगा। तो दो क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ से आपको मिलेंगे, एक तो 0 एंड एक 2। अब आप देखेंगे तो प्लस माइनस प्लस होता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक्स नेगेटिव है ना तो फाइनली यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। ये अगर किसी को समझ में नहीं आए तो आपको क्या करना है, ये जो नंबर लाइन पे दो क्रिटिकल पॉइंट पुट किए उसकी वजह से पूरी नंबर लाइन 3 पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। वो तीनों पार्ट मतलब कि मान लीजिए 0 to 2 के बीच में कोई भी एक नंबर उठाइए 1, उसको फंक्शन में रखिए तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा, इसलिए मैंने 0 to 2 में प्लस का साइन लिया है। हमें पूछा था कि इंक्रीजिंग कहाँ पे है, जहां पे प्लस का साइन होगा वहां पे इंक्रीजिंग मतलब 0 to 2 में, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस, और ये जो है ना ये इलिप्स लग रहा है, x² / 1/16 प्लस y² / 1/25 इक्वल टू 1, और इसमें आप देखेंगे तो a ग्रेटर देन b है कि b ग्रेटर देन a, सो दिस इज केस ऑफ a ग्रेटर देन b, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो नंबर बड़ा, ठीक है, और a ग्रेटर देन b है तो इलिप्स के बारे में 10th का अगर सॉरी 11th का थोड़ा बहुत याद है तो ऐसा इलिप्स बनेगा,
जिसमें ये वाला जो पॉइंट है ना, ये होगा 1/4, 0। हमें बोला है पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस जो है ना वो तो ऐसा टेंजेंट होता है, और ये एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तो इसका इक्वेशन एक्स इक्वल टू 1/4 होना चाहिए, मतलब कि 4x-1=0। तो 4x-1=0 है। अगर नहीं होता तो हम ये वाला जो टेंजेंट है ना उसके बारे में भी सोच सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो पैरेलल टू वाई एक्सिस। लेकिन फिर ये वाला जो पॉइंट है ना, इट विल बी -1/4, 0। तो इसका इक्वेशन होता है एक्स इक्वल टू -1/4, इट मीन्स 4x+1=0, और ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। वैसे अगर ये ग्राफ और इक्वेशन ऑफ लाइन ये सब आपको नहीं पता है तो क्या करना है, तो इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करिए, तो 32x+50y(dy/dx=0। सो फाइनली आपको मिलेगा dy/dx=-32x/50y। ये dy/dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। हमें बोला है क्वेश्चन में कि टेंजेंट जो है ना वो वाई एक्सिस को पैरेलल है, और वाई एक्सिस को पैरेलल है तो एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर मतलब वर्टिकल लाइन है, और वर्टिकल लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड मतलब कि 1/0 होता है। तो 0 को इधर मल्टीप्लाई करिए और इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, तो फाइनली आपको मिलेगा y=0। और y=0 अगर आपने यहाँ पे पुट कर दिया तो आपको मिलेगा x²=1/16, सो x=+(-1/4। तो आपको दो पॉइंट्स यहाँ से मिल गए, +1/4 एंड 0। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है ना वो आपको मिलेगा +(-1/4, 0)। फिर तो इक्वेशन आप जानते होंगे, y-y1=m(x-x1), x1 y1 की जगह पे पॉइंट पुट करना है, m जो स्लोप है ना स्लोप उसमें भी आपको ये पॉइंट पुट करना है, वहां से स्लोप मिलेगा, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलेगा। चलिए आगे, रेट ऑफ चेंज से भी क्वेश्चन आया, सिलेंडर ऑफ टैंक ऑफ डायामीटर 20 मीटर है, मतलब कि उसका रेडियस जो है ना वो 10 मीटर होगा, फिल्ड विथ वीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर, मतलब कि यूनिट देख के आपको पता चलना चाहिए कि इट इज dV/dt, क्योंकि 314 m³/hr आपको दिया है यूनिट, और हमें बोला है कि देन डेप्थ ऑफ द वीट इंक्रीजिंग, डेप्थ मतलब कि एच अगर हाइट या डेप्थ बोले तो उसका रेट ऑफ चेंज हमें पूछा गया है। तो सिलेंडर की बात चल रही है तो वॉल्यूम आपको सिलेंडर का पता ही होता है, πr²h। r गिवन है मतलब कि इट इज कांस्टेंट, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो πr² तो कांस्टेंट रहेगा, h का dh/dt हो जाएगा। बाकी जहां तक बात है सबकी वैल्यू आपको पता है, dv/dt है वो 314 है, पाई है वो 3.14 मतलब 314/100 ले सकते हैं, या 22/7 भी ले सकते हैं। r² हो जाएगा 100 एंड dh/dt हमें फाइंड करना है, 100 100 कैंसिल, 314 314 कैंसिल, सो फाइनली dh/dt आपका आएगा 1 m/h, 1 m/h आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन से, सो e की पावर में कुछ भी आए तो उसको t लेने का रिवाज हमारे यहाँ है, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स dx=dt हो जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा e पावर t। लेकिन अब साइन 2x जो है ना वो होता है 2 sin x cos x dx। अब आपके पास क्या है कि 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा e पावर t, कोस एक्स डीएक्स डी टी हो जाएगा, साइन की जगह पे डी टी आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट से आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, इसको आप लेंगे u और इसको लेंगे v, तो u एज इट इज, v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन 1, v का इंटीग्रेशन t, एक बार फिर से इंटीग्रेशन करेंगे तो भी e पावर t ही आएगा, e पावर t कॉमन और t-1 t साइन है तो e पावर 2 e पावर साइन एक्स एंड साइन एक्स माइनस 1, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता था, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि ये दूसरी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम इस पेपर में नहीं आया होगा। सबसे पहले तो देखिए, ऊपर स्क्वायर रूट में अगर आप कोस एक्स कॉमन निकालते हैं तो अंदर रहेगा 1 - cos² 1 - cos² साइन स्क्वायर, उसको स्क्वायर रूट के बाहर ले लेंगे तो साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा, और नीचे की बात करें तो वो अभी भी 1 - cos³x बना हुआ है,
अब यहाँ से आगे किस तरीके से जाना है, किसी को लग सकता है कि कॉस 40 ले लेते हैं क्योंकि साइन एक्स डी एक्स हमारे पास है, लेकिन ये काम थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, होगा लेकिन पता नहीं आगे क्या करेंगे। लेकिन एक देखा हुआ रास्ता ये है, देखो ये कॉस 3/2, कॉस पावर 3/2, कॉस पावर 3/2, कॉस पावर 3/2, ये आपको चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि कॉस पावर 3/2 मतलब कि मुझे आप टी ले लो, तो क्या होगा 3/2 कोस टू दी पावर 1/2 x एंड कोस का हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। और अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये सारी चीजें आपके पास है, रूट कोस एक्स भी है, साइन एक्स भी है, डी एक्स भी है, तो सब की जगह पे हम रख देंगे और ये कॉन्स्टेंट रूट सेट जाएगा तो -2/3 एंड डी टी। और तब तक के लिए नीचे स्क्वायर रूट में हो जाएगा 1 माइनस कोस क्यूब। अब सोचो कोस क्यूब का स्क्वायर रूट ये है तो कोस क्यूब होगा टी स्क्वायर, तो इधर हमारे पास जो है ना टी स्क्वायर आ जाएगा। और ये सीधी फॉर्मूला है साइन इनवर्स टी बाई ए मतलब के टी, और टी मतलब कोस टू द पावर 3/2 x की। तो अगर आप देखेंगे तो क्या ये सब कुछ सही जा रहा है, 3/2 कोस की पावर 3/2 माइनस 1 मतलब 1/2 कोस का माइनस साइन डी एक्स इक्वल टू डी टी बराबर, फिर कोस 1/2 साइन डी एक्स को सब्जेक्ट बनाया तो -2/3 बिल्कुल बराबर। इसका जो आपने इंटीग्रेशन किया वो साइन इनवर्स एक्स बाई ए से किया है वो भी बराबर, एक्स की जगह पे वैल्यू पुट कर दी है वो भी बराबर, तो -2/3 साइन इनवर्स तो मुझे कहीं पे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब कि किसी ने इसको कॉस इनवर्स में कन्वर्ट किया होगा, तो -2/3 इंटू π/2 - cos-1 के अंदर cos²/3/2 x, और ये जो दोनों है ना वो मिलके कॉन्स्टेंट हो जाएगा, वो वापस इधर प्लस सी में चला जाएगा और माइनस माइनस प्लस 2/3 क्रॉस इनवर्स। देखा ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक है चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटीग्रल में से अगेन अच्छा क्वेश्चन था, तो इसमें क्या है कि x+7 x+2 इक्वल टू आपको t ले लेना चाहिए, तो dx इक्वल टू dt हो जाएगा, और x+2 अगर t है ना तो x+1 हो जाएगा t-1 एंड x+3 हो जाएगा t+1, और ये तो t^7 है ही। और फाइनली आप देखेंगे देन इट विल बिकम t²-1 एंड t^7 dt, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो t^9 - t^7 × dt, सो t^10/10 एंड 8/8, हाँ 10/10 8/8 सब जगह पे ऐसा ही है, तो ये दो जगह पे माइनस है। इसमें से कोई एक हमारा आंसर हो सकता है, t हमने लिया x+2 तो x+2 वाले बात बराबर। चलिए 33, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सबसे सिंपल इस क्वेश्चन को करने का मेथड ये है, वैसे बहुत सारे मेथड है, सबसे सिंपल मेथड ये है कि 1/2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो, फिर नीचे जैसा है ना वैसा ऊपर बनाने की ट्राई करो, तो 2x को हम लिखेंगे x+x, फिर अच्छा तो इस मेथड में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि इधर अगर x-1 करेंगे -2 करेंगे तो -3 भी करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, लेकिन चलो अब किया है तो कर लेते हैं। x-1 x-2 अभी तक टोटल हम -3 कर चुके हैं तो +3 भी करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे जो आपके पास डिनोमिनेटर है x-1 x-2 ये सबको सेपरेट देंगे तो क्या होगा, तो पहली वाली जो टर्म है ना वहां से x-1 कट हो जाएगा, ये 1/2 को बाहर रखते हैं और अंदर जो है ना वो इसको जब सेपरेट देंगे तो x-1 x-1 कट होगा और आपको इंटीग्रेशन करना रहेगा 1/x-2 का, उसके बाजू में x-2 कट होगा तो x-1 को इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाजू में है 3 और मुश्किल होता जा रहा होगा। चलिए संभाल, 3 के नीचे है x-1 x-2, तो फिर ये जो बाकी सब तो ठीक है, 1/2 भी ठीक है, x-2 भी बराबर, x-1 भी बराबर, ये 3 जो है ना एक स्पेस की थोड़ी सी यहाँ पे कमी है, सो दिस इज 1/2
चलिए नए पेज पे चलते हैं। एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, ऊपर है एक्स, नीचे एक्स माइनस वन एंड एक्स माइनस टू। हमने जो रास्ता लिया वो थोड़ा सा गलत है। दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है? तो सिर्फ माइनस वन एंड प्लस वन करे तो क्या होगा देखते हैं। माइनस वन प्लस वन, फिर दोनों को सेपरेट दे देंगे, तो इधर हो जाएगा एक्स माइनस टू एन प्लस वन के नीचे है एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। आपको जान के बहुत ज्यादा खुशी होगी कि ये एक्स माइनस टू तो ठीक है, लेकिन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू के नीचे जो आपको वन दिख रहा है ना, वो मुझे एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू दिख रहा है। अब फिर से आप दूसरी वाली टर्म में भी सेपरेट दे देंगे तो यहाँ पे एक्स माइनस टू आएगा और यहाँ पे आ जाएगा एक्स माइनस वन। ओ माई गॉड, तो ये दोनों टर्म्स तो अच्छा टू है, तो इधर भी टू है, ओके तो कट नहीं होगा, और ये टू टाइम्स एक्स माइनस टू हो जाएगा, माइनस वन बाई एक्स माइनस वन, एंड इसका इंटीग्रेशन बोले तो टू टाइम्स लॉग मॉड एक्स माइनस टू माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस वन प्लस सी होगा। और थोड़ा सा लॉग की प्रॉपर्टीज का आप ध्यान दे तो अब आगे टू है कि नहीं वो देखना पड़ेगा, आगे टू कहीं पे भी नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? ओ माय गॉड, स्लाइड किधर चली गई हमारी? बोलो, स्लाइड गायब हो गई। तो मुझे जितना याद था उतना अगर मैं आपको लिख के बताऊं तो शायद हम यहाँ पे पहुंचे थे टू पावर एक्स माइनस वन था कि एक्स माइनस टू था वो भी भूल गया, एन प्लस था कि माइनस वो भी भूल गया। अरे चलिए एक बार फिर से करना पड़ेगा। एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू, एक्स एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। लेकिन अब रास्ता पता चल गया है तो बहुत जल्दी से मैं आपको पहुंचा देता हूँ। सबसे पहले तो एक्स माइनस वन एक्स माइनस वन कट, एक्स माइनस टू, और इधर मैंने लिखा एक्स माइनस वन माइनस एक्स माइनस टू, और ये अपना आ चुका है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। जल्दी से चेक कर लेते हैं तो एक्स एक्स कट एंड प्लस वन बराबर है, फिर ये वन बाई एक्स माइनस टू प्लस ये कट तो वन बाई एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस टू कट तो एक्स माइनस वन एंड डी एक्स। सो दिस इज टू टाइम्स इंटीग्रेशन कर लेंगे तो ऐसा होगा माइनस लॉग मॉड एक्स माइनस वन। सो दिस विल बिकम लॉग एक्स माइनस टू और स्क्वायर, और माइनस है तो लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो इधर एक्स माइनस वन आ जाएगा, और ऐसा कोई हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन में होना चाहिए। चलिए तो एक्स माइनस वन स्क्वायर एक्स माइनस वन स्क्वायर एक्स माइनस टू स्क्वायर, अब आप देख लेना मैं वापस नहीं, आई थिंक ये आंसर था, ठीक है ऑप्शन ए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन माइनस ए टू ए का जब भी आपके पास लिमिट होता है तो आप क्या करते हैं? टू टाइम्स जीरो टू ए कर देते हैं। वैसे पहले तो चेक करते हैं कि फंक्शन इवन है या ऑड, तो ये इवन है, ऑड होता तो सीधा आंसर जीरो आ जाता। नाउ टू टाइम्स जीरो टू पाई बाई फोर, साइन स्क्वायर का साइन क्यूब बाई थ्री मत कर देना, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन वन माइनस कोस टू एक्स बाई टू, ये फॉर्मूला की हेल्प से करना होता है। टू से टू गया, फाइनली जो आपके पास वन है उसका इंटीग्रेशन होगा एक्स, माइनस कोस टू एक्स का होता है साइन टू एक्स बाई टू, लिमिट है जीरो टू पाई बाई फोर। तो सबसे पहले अपर लिमिट पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू, साइन टू एक्स मतलब साइन टू टाइम्स पाई बाई फोर मतलब साइन पाई बाई टू होता है वन, और जीरो पुट करेंगे तो सब कुछ जीरो। सो पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन देखिए माइनस ए टू ए, तो इस बार देखना पड़ेगा ये ऑड है तो उसका जीरो हो जाएगा, ये भी ऑड है इसका भी जीरो हो जाएगा। ये वाला जो है ना ये ऑड इंटू इवन का प्रोडक्ट है, क्या आप जानते हैं ऑड इंटू इवन जो है ना वो ऑड होता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी जीरो, इसका इंटीग्रेशन भी जीरो, इसका इंटीग्रेशन भी जीरो, मतलब अल्टीमेटली हमें माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू में वन को ही इंटीग्रेट करना है, मतलब एक्स आएगा एंड माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, पहले अपर लिमिट पाई बाई टू देन माइनस फिर लोअर लिमिट माइनस पाई बाई टू, सो पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू इज पाई। चलिए नेक्स्ट, ये तो सीधा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है।
ए प्लस बी बाई टू ये आना चाहिए। फिर भी अगर किसी को जानना है तो प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे ए प्लस बी माइनस एक्स। तो जो हमारा क्वेश्चन था ए टू बी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, उसकी जगह पे आ जाएगा ए प्लस बी माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डीएक्स। अब एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स तो आपको एफ ऑफ एक्स ही दिया है, उसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स ही पुट कर देंगे। बाकी इधर ए प्लस बी के साथ वो एफ को मल्टीप्लाई करेंगे एंड फिर माइनस एक्स के साथ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फिर अगर आप देखें तो इतना जो पोर्शन है ना वो आई है, देखो तो वो वापस लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में आई पहले से था, अब टोटल टू आई हो गया, ए प्लस बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, ए टू बी में एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन। सो फाइनली ये वाला टू इधर आके ए प्लस बी बाई टू एंड ऐसा। ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, मेरा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। 0 to 1 में टेन इनवर्स के अंदर भाई लोग पहले तो इधर वन होना चाहिए, बाजू में दो फैक्टर्स होने चाहिए। तो एक्स अगर कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस एक्स आएगा, उसका क्या करेंगे चलिए देखते हैं। एक्स कॉमन ले लिया तो अंदर 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब जो नीचे इधर दो फैक्टर है ना उसका डिफरेंस ऊपर होना चाहिए, क्या है? यस बिल्कुल है, एक्स माइनस 1 माइनस एक्स। देखो दिया आंसर, तो एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स, तो 2x माइनस 1 है। अब ध्यान से देखिए ये टेन इनवर्स की आइडेंटिटी है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स की आइडेंटिटी है। ठीक है, अब क्या है कि आपको इंटीग्रेशन तो अभी भी भारी पड़ सकता है, एक बार प्रॉपर्टी लगा देते हैं कौन सा वाला, एक्स को ए प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देते हैं। तो आई जो पहले हमारे पास जो था ऐसा वो अब हो जाएगा 0 to 1 में टेन इनवर्स के अंदर 0 प्लस 1 माइनस एक्स मतलब 1 माइनस एक्स, और इधर माइनस है एंड टेन इनवर्स के अंदर एक्स 1 माइनस एक्स हुआ तो 1 माइनस एक्स ऑब्वियसली एक्स ही होगा। अब अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूं तो इधर 2i हो जाएगा, और टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर टेन इनवर्स एक्स पॉजिटिव उधर नेगेटिव, ओ पाया ये तो 0 हो गया, मतलब i इक्वल टू 0, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन। इसके लिए बहुत ही सुपर ट्रिक आपको बता देता हूँ, ये भी इससे पहले एक दो बार पूछा जा चुका है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4by, इन दोनों के बीच में जो एरिया होगा ना वो होगा कोफिशियंट ऑफ x बोले तो 4a, कोफिशियंट ऑफ y बोले तो 4b एंड डिवाइड बाई 3, मतलब 4 4 16 ab/3 एरिया होता है। लेकिन हमें याद रखना है कोफिशियंट ऑफ x इंटू कोफिशियंट ऑफ y डिवाइड बाई 3। अब आप देखेंगे अगर हमारे पास दो पैराबोला है, एक तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, दूसरा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एरिया होना चाहिए वाई का कोफिशियंट मतलब कि 1, एक्स का कोफिशियंट मतलब कि 1 डिवाइड बाई 3, सो 1/3 इस दी आंसर। बाकी तो आप ग्राफ ड्रॉ करते रहिए, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करते रहिए, इंटीग्रेशन करते रहिए, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। चलिए ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, अच्छा थोड़ा सा उसमें चेंज किया है। इस बार क्या है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by है ना, उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, और इसके लिए जो लेटेस्ट रेक्टम है वो यहाँ पे होती है विच इज पासिंग थ्रू 0, b। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 12y को एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4by के साथ कंपेयर करेंगे तो 4 3 12, b की वैल्यू आपको मिलेगी 3। ठीक है, और b अगर 3 है तो ये पॉइंट जो है ना ये 0, 3 होगा, और ये लाइन जो है ना वो y इक्वल टू 3 होगी। ठीक है, तो ये एरिया फाइंड करने के लिए पहले इतना सा एरिया हम फाइंड करेंगे, तो एरिया इक्वल टू क्या होगा, 0 to 3 में ये y का लिमिट लिया है तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे मतलब √12 √y dy करेंगे, यहाँ से इतना एरिया मिलेगा फिर उसको डबल कर देंगे, सो स्क्वायर रूट ऑफ 12 मतलब 4 3 12, 4 बार आएगा 2 होगा, 2 2 4 एंड 3 तो है ही, और रूट वाई जो है ना उसका इंटीग्रेशन वाई पावर 3/2 आगे 2/3 एंड लिमिट आ जाएगा 0 to 3 का, सो 4 2 8 √3/3 एंड इधर 3 into √3 जीरो पुट करने से तो खत्म, 3 3 कैंसिल, √3 √3 3 एंड 8 3 20 4 इज द करेक्ट आंसर।
चलिए नेक्स्ट आपको बोला है कि एरिया बाउंडेड बाय द दोनों सेम ऑलमोस्ट पाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इस बार ऐसा पैराबोला दिया है एंड लाइन दी है x इक्वल टू 3 और एरिया फाइंड करना है एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड लाइन। उसके पहले देख ले कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये ऐसा कुछ तो नहीं बोला था, नहीं बोला है। चलिए तो अब इसमें क्या करेंगे, तो पहले इतना एरिया फाइंड करेंगे फिर डबल कर देंगे। तो एरिया के लिए 2 टाइम्स 0 टू 3 में इंटीग्रेट करेंगे किसको, वाई को, मतलब 2 रूट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। तो 2 टू 4 अगेन रूट एक्स का एक्स पावर 3/2 आगे 2/3 एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 3। तो 4 टू 8/3 एंड दिस विल बिकम 3√3, 0 के लिए खत्म। सो 8√3 इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पे आपका 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन खत्म होता है। आपको लगेगा कि वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया, लेकिन मेरा जो मकसद था, मेरा जो गोल था, वो बहुत दूर तक था। बच्चों को सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें सीखने को मिले, ये मेरा गोल था। और अब मैं अपने गोल में कामयाब हो पाया हूँ या नहीं, ये आपको कमेंट करके बताना है। बाकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करते रहिए, किसी भी तरीके की हेल्प की रिक्वायरमेंट है सो आई एम ऑलवेज देयर विथ यू। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, अगर आपको किसी भी तरीके की मैथ्स या केमिस्ट्री के रिलेटेड क्वेरी है तो उसमें आप डाउट्स सेंड कर सकते हैं, एज सुन एज पॉसिबल आपको सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको गुड सेट या कोई भी एमसीक्यूज, एग्जाम के रिलेटेड स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सीरीज, क्वेश्चन बैंक या प्रैक्टिस पेपर की रिक्वायरमेंट है तो नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दिया है, वहां पे आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।